नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार पर लगातार हमले कर रही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अब पूरे विवाद में कांग्रेस को भी लपेटने की कोशिश की है। शुक्रवार को कंगना ने एक के बाद एक ट्वीट करे और कांग्रेस के बहाने शिवसेना पर हमला बोला। कंगना ने कहा कि क्या सोनिया गांधी उनके साथ हुए इस बर्ताव पर कुछ नहीं बोलेंगी। कंगना ने एक ट्वीट कर शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए उनका एक पुराना वीडियो शेयर किया और शिवसेना की हालत पर तंज कसा। कंगना ने लिखा, मेरे पसंदीदा आदर्शों में से एक महान बाला साहेब ठाकरे का सबसे बड़ा डर था कि शिवसेना किसी दिन गठबंधन कर लेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आज वो अपनी पार्टी की हालत देखते तो उनकी क्या भावना होगी। कंगना ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, क्या महाराष्ट्र में आप अपनी सरकार की तरफ से मेरे साथ किए गए इस बर्ताव से गुस्से में नहीं हैं? क्या आप अपनी सरकार से डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के सिद्धांतों का पालन करने को नहीं कहेंगी? ट्वीट में कंगना ने आगे लिखा, आप पश्चिम में पैदा हुई हैं और यहाँ भारत में रही हैं। आपको महिलाओं के संघर्षों के बारे में तो पता होगा। जब आपकी सरकार में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है तो इतिहास आपकी चुप्पी पर न्याय करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप जरूर करेंगे। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मुंबई को पीओके कहा था। उसके बाद से ही शिवसेना और कंगना में जुबानी जंग जारी है। इसी बीच बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिरा दिया, जिस पर विवाद और बड़ा होता जा रहा है। इस मामले में कंगना मुंबई हाईकोर्ट पहुंची, जिसके बाद कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कंगना के खिलाफ इसे जवाबी कार्रवाई बताया जा रहा है, क्योंकि कंगना सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही शिवसेना और मुंबई पुलिस पर निशाना साध रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।